नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कोरबा खेती बाड़ी में। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कैलीफ्लावर की जानकारी लेकर। तो आइए हम आपको बताते हैं कैलीफ्लावर के बारे में। तो दोस्तों, माह चल रहा है सितंबर और अभी क्या है कि हम लोग फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो फूल गोभी की नर्सरी करने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट रहता है वो सीड्स का चुनाव होता है और उसके साथ में जमीन तैयार करना। तो पहला हम सीड्स चुनाव करेंगे तो हम फूल गोभी का कौन सीड्स लें ताकि हमारी जो उपज है अधिक से अधिक हो और जल्दी हो और मंडी में अच्छा भाव जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फूल गोभी के लिए, नर्सरी के लिए कौन सा हम सीड्स का चुनाव करें और बेड कैसा होना चाहिए, कैसी जगह पर नर्सरी लगाना चाहिए, ये सारी आपको जानकारी देता हूँ। तो आपको बताऊं कि मैंने 3 सीड्स फूल गोभी का, ये हो गया एक सेमिनीस। तो सेमिनीस जो है इसका हाइब्रिड में है गिरजा। तो आप लोग को पता भी है ये गिरजा का गोभी है, 10 ग्राम का है, 521 रुपये इसका प्रिंट रेट है, आप लोग देखेंगे। तो ये हमें मिला है 400 रुपये में। तो आपको बता दूं इसकी खासियत, यह गोभी जो होता है वजनदार, गठीला और वाइट कलर का, दूधिया वाइट कलर का आता है। इसका वजन आधा केजी से लेकर 1.5 केजी तक हो सकता है। ये आपके मेहनत और जमीन के ऊपर डिपेंड करता है और ये फसल जो है जल्दी से हो जाता है। आप नर्सरी जिस दिन लगाएंगे उससे 90 दिन बाद इसका हार्वेस्टिंग लगभग चालू हो जाता है। पर इसमें कमियां क्या है? तो कमियां इसमें यही है कि बदली जब आता है तो ये फूल जो है स्पीड ले लेता है, फूलने का स्पीड जैसे कि दूसरा फूल गोभी होता है, और भी मेरे पास है आपको बताऊंगा, वो फूल गोभी बदली छाता है फिर भी उसको कवर कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे ये स्पीड में नहीं फूलता। और ये गिरजा जो है इसकी वही कमी है कि ये स्पीड ले लेता है फूलने के लिए। एक बार फूल गया ये गोभी, जैसे कि बदली छाया हुआ है तो और स्पीड ले जाता है। तो बाकी सब कुछ इसका ठीक है। और हम एक पैकेट ये गिरजा 10 ग्राम का लिए हैं। आपको बता दूं कि मैं दूसरा सीड्स लिया हूं सकाटा का वाइट एक्सल, आप लोग देखेंगे सकाटा का ये वाइट एक्सल है। दूधिया कलर का फल आता है, इसका जो फूल होता है दूधिया कलर का आता है। और इसका साइज की बात कहूं तो 2 केजी तक इसका साइज होता है। और आपको ये भी बता दूं, ये इसका फल जो है एकदम टाइट रहता है, पत्ती से ढका हुआ रहता है, पत्तियों से ढका हुआ रहता है, जिससे छोटा इसका फूल दिखता है लेकिन वजनदार होता है। और ये जो बदली होता है उसको सहनशीलता ज़्यादा रखता है, इसलिए बदली आने पर ही भी ये फटने का काम नहीं होता इसमें। मतलब ये फूल गोभी में फट, जैसे फूल गोभी बदली छा गया या फिर टाइम से ओवर हो गया तो फट जाता है, तो इसमें फटने का शिकायत बहुत ही कम होता है। तो आप चाहें तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका प्राइस आपको बता दूं 810 रुपया इसका प्राइस है, बट ये हमें मिला है 450 रुपया में। सकाटा का वाइट एक्सल है। और इसकी फसल की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आज काटे फिर कल इसका कटिंग कर दो, ऐसा नहीं है। आज इसका हार्वेस्टिंग हुआ, एक दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में इसका फिर हार्वेस्टिंग होगा, यानी कि ये रुक रुक कर हार्वेस्टिंग होगा। तो चलिए अब तीसरा आपको बता देता हूं, सजेंटा 440 रुपया इसका प्राइस रेट है, बट हमें ये मिला है 400 रुपया में। ये भी 10 ग्राम का आता है। तो सजेंटा की कंपनी का जो कैलीफ्लावर है उसके बारे में आपको बता दूं, ये भी दूधिया कलर का होता है, वाइट होता है, ये भी फटना नहीं जानते हैं। जैसे कि हम लोग अपने छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं
फूल गोभी जो फट जाता है उसको छरिया जाना, मतलब उसका फूल निकलने लगता है, उसका कली निकलने लगता है, तो वेट उसका कम हो जाता है। तो ये इसमें फटने का काम नहीं होता, बदली को सहनशीलता रखता है ये। हार्वेस्टिंग की बात करूँ आपको तो ये व्हाइट एक्सेल से जल्दी हार्वेस्टिंग होता है, ये उससे थोड़ा अगैती फसल है, तो इसका भी वजन 2 से 2.5 kg के आसपास में आता है। और देखा जाए तो बहुत ही ये भी बढ़िया कंपनी का कैलीफ्लावर सीड्स है, आप चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं। तो आइए हम आपको तीनों के बारे में बताते हैं, कंपेयर तीनों के बारे में मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ कंपेयर करके, वो किसी कंपनी का दावा हुआ किया हुआ कंपेयर नहीं है, ना ही किसी से यूट्यूब में देखा हुआ कंपेयर है। मैं तीनों सीड्स को पहले लगा चुका हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताया हूँ। पिछले साल भी मैं लगाया था, बट पिछले साल मैं यूट्यूबर नहीं बना था तो मैं आप लोग को दिखाया नहीं था, बट इस साल आपको मैं 3 सीड लिया हूँ और तीनों सीड को मैं आज स्टार्टिंग आज के डेट में मैं मतलब बेड बनाकर उसमें जो बुआई किया हूँ वो भी दिखाऊंगा, और तीनों का रिजल्ट फाइनल जब तक आता है तब बीच बीच में अपडेट करके दिखाऊंगा, तब आप लोग इसका सही सिलेक्शन करके चुनाव करेंगे कि कौन सा सीड्स को आप लगा सकते हैं। तो गिरजा की बात करूं तो ये मेरे लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये 1/2 kg से लेकर 1 kg 1.5 kg तक होता है, मार्केट में अगर बढ़िया रेट रहता है तो 1/2 kg वाला ग्राहक ज्यादा मिलता है, इसलिए ये बेस्ट है। कलर वही दूधिया कलर का आता है, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि बदली छाता है तो जल्दी से ये फूल जाता है, ये इसमें प्रॉब्लम है, बट बाकी ठीक है। और मैं सजेंटा की बात करूँ तो ये सजेंटा का आपको बता दूँ, C7008 स्नोफेरल का है, और सजेंटा का C7008 है, ये हाइब्रिड। तो इसका जो फूल का साइज होता है 2 kg तक होता है, और जमी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूधिया कलर वही आता है जो आपको बताया था। तो इसको मैं इसलिए पसंद करके लगाया हूँ क्योंकि ये थोड़ा अगैती फसल है इसके अपेक्षा, और सेमिनी इसका जो गिरजा है वो और ये सजेंटा लगभग एक ही टाइमिंग में हो जाएगा। व्हाइट एक्सल, व्हाइट एक्सल बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेटर है, तो आप चाहे तो इसका भी चुनाव कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट एक्सल का कैलीफ्लावर आता है वो 2 से 2.5 kg तक आता है, आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपको बता दूं, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको निंदाई कोड़ाई अगर समय समय पर आप देते रहेंगे, मौसम ठीक रहेगा, दवाई का छिड़काव करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो आइए आप लोगों को हम बेड को भी दिखा देते हैं, हम कैसे बुआई किए हुए हैं। तो चलिए आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि कैलीफ्लावर का जो नर्सरी हम तैयार करेंगे उसके लिए जमी कैसे तैयार करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, थोड़ा दूर से दिखा दूं, मैं एक बेड बनाया हूं, 2 फीट के आसपास में बेड का चौड़ाई है और 5 से 6 इंच इसका हाइट है। तो ये बेस्ट तरीका होता है, और आपको बताऊँ इसलिए बेस्ट होता है कि पानी जो गिर जाता है ऊपर से गिरता है पानी, तो क्या है बेड रहता है तो उससे पानी जो है तुरंत नीचे की ओर आ जाता है और जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं पौधे का। और इसमें मैं लगा डाला हूँ पैरा, धान का जो आता है ना पैरा, मिसाई के बाद जो होता है उसको बोलते हैं पैरा, और पैरा इसलिए ऊपर में मैं डाला हूँ क्योंकि जो बेड के अंदर में सीड्स का छिड़काव हम लोग किए हैं, पानी गिरता है तो उसको डायरेक्टली पानी ना पड़कर पैरे पे पड़े और उसके जड़ को नुकसान ना पहुँचाए और जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना आए और सड़न गलन का भी समस्या ना हो। तो आप लोगों को सिंपली मैं बता दूं कि इस तरह से नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत ही लोग को मैं देखा हूं कि बहुत सारे खाद का यूज बताते हैं, DAP, पोटास और बहुत सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, अगर आपका जमीन अगर खाद पूर्ण है तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने इस बेड में अभी तक कुछ नहीं डाला है, सिर्फ बेड तैयार किया और सीड को छिड़काव कर दिया है और उसके ऊपर में ये पैरा जो है
मैं ढक दिया हूँ। तो इस तरह से मैं अपना नर्सरी तैयार कर चुका हूँ। तो आप लोग इससे आप मतलब ये मत हो जाना कि बहुत लोग इसमें डीएपी का छिड़काव करें और बीज को उपचारित करें। ठीक है, बीज को उपचारित करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे दवाई का छिड़काव कर ले उसके बाद में नर्सरी तैयार करें, ये सब एक्स्ट्रा है। ये सब करने की उतना खास ज़रूरत नहीं है अगर आपका ज़मीन खाद पूर्ण है तो। अगर नहीं है तो गोबर खाद डालो और कुछ नहीं। तो देखेंगे, आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने गिरजा सीड्स को नर्सरी लगाया है। ये देखेंगे यहाँ तक ये सेमिनिस का गिरजा है, और इससे आगे जो मैं लगाया हूँ वाइट एक्सल सकाटा का, जो वाइट एक्सल है वो मैं नर्सरी इसमें यहाँ तक लगाया हूँ। ये देखेंगे सकाटा का वाइट एक्सल। फिर आगे देखेंगे तो मैं सजेंटा का C700 और फिर लास्ट में क्या है देख लेते हैं, एट है, ये है। इस तरह से मैं अब अपना कैलीफ्लावर सीड्स का नर्सरी तैयार कर चुका हूँ, और इसमें मुझे सीड्स को डाले हुए 2 दिन हो गया है। तो आइए आपको सीड्स का जर्मिनेट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि सीड्स वाकई में सही है या गलत है। तो एकदम बारीकी से देखेंगे तब पता चलेगा। थोड़ा सा यहाँ का पैरा जो है मैं हटा लेता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए इस तरह से। तो आप ध्यान से देखेंगे ये सीड्स हैं, सॉरी आप ये देखिए इस तरह से 2 दिन हुआ है मात्र जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो वही सप्ताह भर में ये पौधे जो है 2 पत्ती होकर ऊपर उठ जाएंगे। तो आप लोग को मैं यही जानकारी देना चाहता था कि अभी के मौसम में सितंबर माह में अक्टूबर माह में अगर नर्सरी तैयार करते हैं कैलीफ्लावर का तो आप सिंपल साधारण तरीके से मैंने जैसे तैयार किया है वैसे कीजिएगा। बेड वाला जो सिस्टम आपको बताया वो बहुत अच्छा है, और सबसे बेस्ट कहा जाए तो जो ट्रे वाला आता है जिसमें कोकोनट का उसका छिलका वगैरह का डालकर बनाया जाता है वो सही रहता है। तो लेकिन अगर आपके पास वो सब अवेलेबल नहीं है तो मैं जैसे लगाया हूँ उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए वीडियो जो है अब इतना ही, और बाकी आपको मैं ये जर्मिनेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को छोटे किसान वर्ग को लोगों को भेजिएगा ताकि वो लोग भी देख कर अपना नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े वर्ग के जो किसान हैं वही अच्छे से सीड चुनाव करके लगाए, क्या है कि महंगा है इस तरह से बात होता है, महंगा है या फिर हमको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में सही से मतलब कैलीफ्लावर का फसल नहीं लेते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए बस यही है कि इस वीडियो को देखें, और कैलीफ्लावर का आप अगर खेती नहीं किए हैं तो कर देखिए, बहुत ही अच्छा जाता है रेट। अगर अभी के मौसम में अगर आप लोग नर्सरी डाल देते हैं तो मानकर चलिए मोटा मोटा 1 महीने के बाद में आप इस नर्सरी को उसके जगह पर लगा देंगे, और उसके 2 महीने बाद में यह हार्वेस्टिंग होना चालू हो जाएगा। तो आपको फूल गोभी जो है 40 रुपये किलो चिल्लर भाव में कम से कम ज़रूर मिलेगा, और थोक भाव में तो आपको वही 30 रुपये के आसपास में मिलेगा जो काफ़ी पर्याप्त है। तो हमारे चैनल कोरबा खेतीबाड़ी में लगे रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।